विद्यालय। जैतपुर बेलाताल प्राथमिक विद्यालय बुढ़खेड़ा में बुरा हाल, विद्यालय के साथ चल रहा है लुका छिपी का खेल। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद महोबा से है, जहां पर ग्राम बुढ़खेड़ा प्राथमिक विद्यालय का बुरा हाल है, जहां लंबे समय से रसोईया के साथ खेला जा रहा है लुका छिपी का खेल। यहां ग्रामीणों ने बताया कि प्राथमिक विद्यालय में वैसे तो दो रसोईया तैनात किए गए हैं, लेकिन दूसरे रसोईया का पता उस पहले वाले रसोईया को भी नहीं है कि मेरे साथ कोई और व्यक्ति भी कार्य करता है। दूसरा रसोईया बिल्कुल फ्री का वेतन प्राप्त कर रहा है, इसकी जानकारी ना तो स्कूल स्टाफ को थी ना ही गांव वालों को। बड़ी मुश्किल से गांव वालों ने इसकी जानकारी ब्लॉक से निकलवाई और अध्यापक के खिलाफ गांव वालों ने BSA को लिखित में शिकायत दी, जिसके बाद अध्यापक की हर एक जगह कमी निकली है। स्कूल में न तो पुताई हुई है न ही मेन्यू लिखा हुआ है, स्कूल के अंदर स्कूल का सामान नहीं है। उन्होंने अध्यापक से रजिस्टर देखने की मांग की तो अध्यापक ने किसी भी प्रकार का कोई रजिस्टर नहीं दिखा पाए, इसीलिए शायद अध्यापक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। अध्यापक स्कूल के अंदर पूरी कंपोज जड़ ग्रांट राशि निकाल कर खा जाते हैं, स्कूल का सामान भी बेच दिया जाता है। ऐसी ही अनेक बातों को लेकर गाँव वाले भड़के हुए हैं। आपको अपने इस गांव के विद्यालय के अध्यापक से क्या प्रॉब्लम है? उससे अध्यापक से बहुत प्रॉब्लम है, टंकी अंकी का सामान आया था नया, पता नहीं उसने ना डेंटिक पेंटिंग होती है यहाँ पर 5 साल से, पुराना ही सामान लगवा दिया टंकी का और नल का सामान, कुछ पता नहीं है बेच दिया किसी को दे दिया है, ना बच्चों के ड्रेस का पता, ना जूता चप्पल बच्चों के, ना खेल कूद का जो सामान आता है ना उसका पता, और वो स्कूल में आते हाजी चढ़ा कर पता नहीं कहाँ चले जाते हैं घूमने के लिए। गाँव में लोगों को आश्वासन कहते हैं कि 500 रुपये दो हम तुम्हारा मकान बनवाएंगे, ये करवाएंगे वो करवाएंगे। और अध्यापक इस समय विद्यालय में है कि नहीं है? नहीं है, नहीं है, कहीं गांव में घूमने गए होंगे, उनका पता नहीं रहता है, 5 मिनट के लिए आते हैं खाली दस्तखत चढ़ाने के लिए। आप लोगों का नाम क्या है भैया? शुभम मिश्रा, छोटू नायक। आपको क्या दिक्कत है अपने गांव के विद्यालय के अध्यापक से? देखिए, हमें अपने गाँव के विद्यालय के अध्यापक से समस्त प्रकार की दिक्कतें हैं, जैसे कि हमारे स्कूल में आए हुए पैसों को दुरुपयोग कर रहे हैं, जैसे कि हमारे स्कूल में पैसे आ रहे हैं डेंटिंग पेंटिंग पुताई उताई सामान वामान खरीदने के लिए, जो कि ना तो पुताई की जाती है ना डेंटिंग कराई जाती है स्कूल के अंदर, और ना किसी भी प्रकार का सामान खरीदा जाता है। जैसे कि अभी जांच हुई है स्कूल की, तो जांच में मैडम ने अध्यापक से काफ़ी सामान मांगे हैं पर अध्यापक ने किसी भी प्रकार का सामान नहीं दिखा पाया। जैसे कि मैडम ने जाँच के दौरान अध्यापक को कहा है कि अपने स्कूल की तुमने पुताई कहाँ की कराई है, पुताई तक नहीं बता पाया कि यहाँ पर पुताई है। जैसे छत भी टूटी पड़ी है, उसकी मरम्मत नहीं करा पाई, पीछे साइड जाकर के देखिए तो बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की पुताई हुई ही नहीं है। यानी स्कूल के जो चार्ट बने हुए होते हैं, पेंटरी बोला जाता जिसे, उससे पता चलता है कि इन्होंने 5 साल से किसी भी प्रकार की पुताई नहीं कराई है, क्योंकि जो इनके चार्ट बने हुए हैं उसमें पुराने भूतपूर्व प्रधान का नाम डला हुआ है। और भी अनेक प्रकार की बातें हैं, जैसे कि स्कूल में सामान, पुराना सामान किसी को दे देना या बेच देना, जैसे कि पुरानी टंकी नए बजट में पास दिखा दी, नई टंकी का पैसा निकाल के खा लिया गया, पुरानी टंकी जाकर के हमने सेट करा दी, और हेडपम्प का निकला हुआ सामान, जैसे कि हेडपम्प इन्होंने संभल डाली है, संभल का सामान निकला हुआ है, वो हेडपम्प का सामान निकला हुआ, जैसे कि 2-3 पाइप इन्होंने बेच दिए हैं। आप लोगों को अपने गाँव के विद्यालय से क्या प्रॉब्लम है? हमें अपने गांव के विद्यालय से नहीं है प्रॉब्लम, हमें बल्कि अपने गांव के अध्यापक जो श्री संतोष कुमार यादव जी हैं उनसे है, क्योंकि वो इतने अनलीगल काम कर रहे हैं हमारे गांव के विद्यालय में। जैसे कि सबसे बड़ी बात है कि ऐसा एक रसोईया पहले से तैनात था, जिसकी जानकारी पूरे स्कूल के स्टाफ को है और गाँव वालों को है, इन्होंने अपने तरफ से गुप्त रूप से एक दूसरा रसोईया चयन किया है, जिसकी जानकारी ना तो इनके स्टाफ को है ना हमारे किसी भी गांव के सदस्य को है, जबकि इनसे पूछा है भनक लगने पर कि श्रीमान जी आपके यहाँ पर कोई दूसरा रसोईया तैनात किया गया है उसका बता सकते हैं आप कौन है, तो उन्होंने बताया है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, हमारे यहाँ सिर्फ एक ही रसोईया है, आपको गलत जानकारी मिली है। और
फिर हमने जा करके बीआरसी में जानकारी की तो इनका रसोईया दूसरा निकला और कन्फ्यूजिंग के लिए इन्होंने एक ही नाम पर दो रसोईया तैनात किए हैं, जबकि हमने डिटेल निकलवाई तो खाते से डिटेल निकली है कि अलग अलग रसोईया तैनात। देखिए जैसे कि बताया जा रहा है कि हमारे जो ये भैया सामने खड़े हैं इनको विद्यालय का समिति सदस्य बनाया गया था। क्या आपको बनाया गया समिति सदस्य, आपको पता है पहले से? नहीं, मुझे कुछ पता नहीं है कि मैं सदस्य हूँ कि क्या हूँ। तो वैसे जिस दिन जांच की थी उस दिन मैडम के सामने बुलाया था तो इन्होंने झूठ बोलकर आपको बुलाया था कि मेरे यहाँ पे आप सदस्य हैं, बताओ इन्हें। हाँ, बुलाया था। तो इस प्रकार के जो लोग गाँव के सदस्य बनाए तो हैं, लेकिन एक दो लोग बनाए हैं जिनको जानकारी भी नहीं है कि हम सदस्य हैं या नहीं हैं। और जैसे कि इनकी समिति का अध्यक्ष होता है जो किसी अन्य गांव का अध्यक्ष चयन किए हैं, जो कि उसे कोई जानकारी नहीं रहती है स्कूल की, और अध्यापक अपने मन का काम करते रहते हैं। आपने अपने विद्यालय के अध्यापक के खिलाफ कोई शिकायत नहीं की क्या? हमने अध्यापक के खिलाफ शिकायत की है BSA जयपुर और BRC। जैसे BRC जैतपुर और BSA महोबा को? BSA महोबा दोनों लोगों को 29 तारीख की डेट में, उसमें अभी तक कोई सुनवाई नहीं की गई। मतलब आपने 29 तारीख को शिकायत कर दी थी और आपके विद्यालय की जांच भी हो चुकी, लेकिन अधिकारी बिल्कुल भी नहीं सुन रहे हैं। कोई नहीं सुन रहा ना, आपके विद्यालय के अध्यापक के खिलाफ कोई कार्रवाई की जा रही है? ठीक है।